इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि मूर्ति पूजा किनके यहाँ है? भगवान का। हिंदू नहीं, हिंदू बहुत कुछ होते, हिंदू आर्य समाजी नहीं है क्या? मैंने तो उदाहरण दिया, हिंदू अलग छोड़िए। भगवान का अवतार उनके यहाँ जैन के यहाँ होगा? भगवान मानते नहीं। बौद्धों के यहाँ भगवान का अवतार होगा? वो भगवान मानते नहीं है। क्रिश्चनों के यहाँ भगवान का अवतार होगा? वो भगवान मानते नहीं है। मुसलमानों के यहाँ भगवान का अवतार होगा? वो भगवान को मानते नहीं है। भगवान को जो मानते हैं और भगवान जिनका जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है, उन्हीं के यहाँ भगवान का अवतार होता है। मुसलमान स्वयं कहते हैं, क्रिश्चियन स्वयं कहते हैं, उनके यहाँ खुदा का, ईश्वर का दूत या बेटा आता है। हमारे यहाँ साक्षात भगवान आते हैं। वो दर्शन है जो अपने भगवान को जगत बनाने वाला, बनने वाला दोनों समझता है, उसी के यहाँ भगवान का अवतार होता है। एक से एक सिद्ध महात्मा हुए। अब साईं बाबा जी को लेके बैठे हैं, मुझे उनके अनुयायियों से उनसे कोई द्वेष नहीं, लेकिन व्यास, वशिष्ठ, वे सब एक से एक देवता हुए, हमारे ऋषि मुनि हुए, जिनके सामने तो आजकल के बाबा कुछ हैं भी नहीं, लेकिन उनकी मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं की गई। उनके अनुयायियों ने कभी कहा कि हमारे आचार्य की मूर्ति प्रतिष्ठित करो? मूर्ति पूजा एक दर्शन है, विज्ञान है, उसकी परिधि में जैसे जल स्थल नभ में सब जगह विद्युत विद्यमान है, लेकिन बिजली को पावर हाउस के माध्यम से विशेष विधा से व्यक्त करते हैं, विशेष विधा से व्यक्त करते हैं, तो गुड कंडक्ट, बैड कंडक्ट, बिजली का उपयोग कैसे करें, कैसे न करें, उपयोग करके लाभान्वित हों, हानि के चपेट से बचें, वो सब मर्यादा आपको माननी पड़ेगी। नहीं, मूर्ति पूजा का मतलब है किसी की पूजा, ये तो नहीं है। तो किसी, आप अपनी आस्था को सबके ऊपर रखना चाहें क्या? वो तो संभव नहीं है, तो अराजकता है। आप अमुक बाबा के उपासक हैं, हम कहाँ मना करते हैं किसको? कौन मान लो कोई भूत की उपासना करता है तो हम उसका गला पकड़ने जाते हैं। कोई प्रेत की पूजा करता है, कोई गंधर्व की पूजा करता है, लेकिन वो कहे कि हम भूत की पूजा करते हैं या गंधर्व की पूजा करते हैं, तो तुम भी अपने यहाँ हमारी पूजा को प्रतिष्ठित कर दो, उचित नहीं है। आपकी किसी में आस्था है, यहाँ तक कि राम जी के जो भक्त हैं उनको जबरदस्ती कहें कि कृष्ण जी को बैठा दीजिए, राम जी और कृष्ण जी एक ही भगवान के दोनों रूप हैं, लेकिन वो भी अन्याय होगा। राम जी के भक्त हैं तो उनको राम जी की भक्ति करने दीजिए, कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो उनको कृष्ण जी की भक्ति करने दीजिए। अब कृष्ण भक्त कहेंगे लाठी लेकर के कि जहाँ जहाँ राम जी की पूजा होती है वहाँ हम कृष्ण जी की पूजा करेंगे, ये भी उन्माद है। इसीलिए उन्माद का नाम धर्म नहीं होता है। वो किसी के धर्म में हस्तक्षेप करना नरगल, ये जघन्य अपराध है मानवाधिकार की सीमा में। इसीलिए जो मर्यादा है उसकी सीमा में व्यवस्था होती है। धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर उच्छृंखलता का नाम उदारता नहीं है।